हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि जिम करते समय क्या पीना चाहिए या जिम करते वक्त फ्रेंड्स क्या खाना चाहिए? तो आप फ्रेंड्स बिल्कुल सही वीडियो में हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि जिम करते वक्त क्या खाना चाहिए एवं एक्सरसाइज के दौरान फ्रेंड्स आपको क्या पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते समय फ्रेंड्स आपको क्या पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप जिम जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने साथ फ्रेंड्स एक पानी की बोतल लेकर जरूर जाएं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं फ्रेंड्स, तो उस समय पर फ्रेंड्स हमारे शरीर का पानी खत्म होने लग जाता है, और उस समय फ्रेंड्स आपको अपने शरीर के लिए थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पीना चाहिए। जब आपके शरीर का पूरा पानी खत्म हो जाता है तो आपको फ्रेंड्स कमजोरी आने लग जाती है, जिसकी वजह से आप सही से अपना वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जिम जाने से पहले अपने जिम बैग में फ्रेंड्स एक पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि यह आपको जिम करते समय पीना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि जिम करने के दौरान वह बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हैं, और पूरे दिन जिम करते वक्त फ्रेंड्स वह लोग बिना पानी पिए ही अपना पूरा वर्कआउट रूटीन कम्प्लीट कर लेते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जिम करने के लिए फ्रेंड्स बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि ऐसा फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको समय समय पर फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा करके पानी जरूर से पीना चाहिए, क्योंकि यह फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर से बहुत ही ज़्यादा पसीना निकलता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हमारे शरीर की पानी की मात्रा कम होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने शरीर को हाइड्रेट नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आप में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको चक्कर भी आ सकते हैं और फ्रेंड्स आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको हर 10 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी जिम करते वक्त फ्रेंड्स जरूर से पीना चाहिए। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि जो लोग अपनी पानी की बोतल में सप्लीमेंट मिलाकर लाते हैं, जैसे कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट और क्रिएटिन सप्लीमेंट मिलाकर लाते हैं, और हमसे पूछते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट हमको जिम करते वक्त पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिम करते समय फ्रेंड्स आपको जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा वह है क्रिएटिन सप्लीमेंट, क्योंकि क्रिएटिन सप्लीमेंट फ्रेंड्स आपको एनर्जी प्रदान करता है और आपको वर्कआउट करते समय फ्रेंड्स या एक्सरसाइज करते समय बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है, जिसकी फ्रेंड्स आपको बहुत ज़रूरत होती है। और जो लोग कोई भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वह लोग अपने साथ ग्लूकोज या पानी की सादा बोतल भी फ्रेंड्स लेकर पी सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा फ्रेंड्स, और आपके शरीर को पानी की खपत कभी भी महसूस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं जिम करते वक्त क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, यह भी ज़रूरी प्रश्न है जिसका उत्तर हम देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को यह पता है कि जिम करने से पहले या जिम करने के बाद आपको क्या खाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि जिम करते समय या जिम करते वक्त आपको क्या खाना और पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस बात पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जब आप जिम में एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे होंगे तो कुछ समय पर आपको ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, क्योंकि जिम करते समय फ्रेंड्स अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो आप सही से अपना एक्सरसाइज और वर्कआउट रूटीन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो आपको आलस आने लग जाता है, तो उस समय फ्रेंड्स आपको कुछ काम करने का भी मन नहीं करता है। और अगर आप जिम में बहुत भरपेट खाना खाते खाते एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पेट में बहुत ज़्यादा भारी वजन लगेगा, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं खाना चाहिए। बेशक आप जिम करने के बाद फ्रेंड्स भरपूर खाना खा सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर क्योंकि उसके बाद फ्रेंड्स आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन जिम में कसरत करते समय फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, केवल आपको पानी ही पीना है। या फिर फ्रेंड्स आप अपना वर्कआउट शेक ले सकते हैं, और अगर फ्रेंड्स आप जिम में ये एक्सरसाइज करते हैं तो फ्रेंड्स आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको जिम करते वक्त क्या खाना व पीना चाहिए ये आपको वीडियो में पता चल ही गया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।